राम राम फ्रेंड्स, ऑफिशियल देसी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मिनी समोसे और ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और खस्ता होते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज की रेसिपी बहुत ही चटपटी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पहले हम बनाएंगे समोसे की फिलिंग। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया, ज्यादा नहीं लिया। थोड़ा सा जीरा आधी चम्मच, बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक, हल्का सा भूनेंगे इसको। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू मैश करके। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेना, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, क्योंकि हम मिनी समोसा बना रहे हैं इसलिए इसमें मैंने काजू को काट कर लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, इन सबको अच्छे से भून लेंगे। समोसे की फिलिंग बनकर रेडी है। थोड़ा सा हरा धनिया, इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा। गैस को कर देंगे और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। समोसे का आटा लगा कर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने ये मैदा ली हुई है, ये 1 कटोरी में। इसमें डालेंगे हम अजवाइन, इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे। थोड़ा सा नमक और मोइन के लिए डालेंगे यहाँ पर ऑयल, ये 3 छोटे चम्मच मोइन है। फ्रेंड्स देखो, हमारा आटा इस तरह का कुछ होना चाहिए। अगर इसमें मुट्ठी बांधे तो एक डली जैसी बन जाए और ऐसे तोड़ने पर टूट जाए, तभी परफेक्ट समोसे बनकर तैयार होंगे आपके, तभी परफेक्ट खस्ता बनेगा आपका समोसा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी कर एक हार्ड डो बनाकर तैयार करेंगे। समोसों का डो होता है जो थोड़ा हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता ज्यादा। फ्रेंड्स आटा लगकर तैयार है, इसको मैं ढककर रख देती हूँ। आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी बना सकते हो, और टाइम है तो आप इसको 5 से 6 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दे आटा को, बहुत ही ज्यादा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। मैं आप सबके लिए बहुत सारी नई नई और चटपटी रेसिपी लेके आने वाली हूँ। चलिए इसको रख देते हैं। हम इसके छोटे छोटे लोइयां बनाएंगे, ज्यादा बड़ी नहीं बनानी, छोटी बनानी है। जितना हम पूरी का बनाते हैं ना, पूरी का उतना ही बनाना है, ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, क्योंकि हम बड़े समोसे नहीं बना रहे, हम बना रहे मिनी समोसा। तो छोटी सी लोई बनाई, इसको बेल लेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसको बेल लिया है, बीच से काट लिया, किनारे पे पानी लगाया और इसको कोन की शेप में यहाँ पे बीच की साइड में दबाते हुए कोन की शेप में बना दिया। ये चिपकाना बहुत जरूरी है सारी साइड से, नहीं तो इसके अंदर ऑयल बढ़ जाएगा और अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। हम इसके अंदर भरेंगे फिलिंग आलू की, और इस समोसों को हम नाम देंगे, ये मिनी है और समोसा भी है, तो इसको हम नाम देंगे मोमोसा। फ्रेंड्स मैंने वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं किया है, आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने कहीं पे भी स्किप नहीं किया है। इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। किनारों पर फिर से थोड़ा पानी लगाएंगे और पीछे की साइड एक प्लेट देंगे और उंगलियों के बीच से, उंगलियों की सहायता से इसको दबा देंगे और फिर इसको
इस तरीके से बैठा देंगे। रेडी, देखिए बनाकर तैयार कर लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ इनको फ्राई करने के लिए। अब हम समोसों को फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हो ना, ज्यादा बबल्स नहीं उठ रहे ना, कुछ कुछ बबल्स उठ रहे हैं, तो इस तरह का तेल होना चाहिए हमारा। हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं, इनको कंटिन्यू चलाते रहना है। आपने देखा होगा, आप जब बाहर से दुकान से लेने जाते हो समोसे, तो हलवाई बैठा रहता है एक अंकल, हलवाई वो कढ़ाई के पास स्पेशल समोसों को बनाने के लिए बैठा होता है और उनको कंटिन्यू चलाता रहता है। यही कारण है इनका खस्ता बनाने का, धीमी आंच पर चलाते रहने का, ताकि चारों तरफ से सभी साइड से अच्छे से पक जाए। इनको बीच बीच में पलटते रहना है। आप देख सकते हो हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है। क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं सारे समोसे बना लेती हूँ। हम समोसों में डाल लेते हैं। आप ये खट्टे मीठी खजूरी चटनी और तीखी वाली ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो। आप चाहो सॉस ले सकते हो ऊपर से ग्रीन चिली। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी आपको, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। देखते हो समोसे कितने क्रिस्पी, कितने अच्छे लग रहे हैं। आप भी इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी खस्ता समोसे बनाकर तैयार करोगे और एक ही बार में परफेक्ट बनाकर तैयार करोगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। घर पे मेहमान या पड़ोसी आते हैं आपके और आप समोसा सर्व करते हो, तो वो पूरा समोसा नहीं खाते हैं, बोलते हैं आधा करके दो, आधा आधा तोड़ के खाते हैं। तो आप ये मिनी समोसा दे सकते हो, समोसा पूरा खाएंगे और बल्कि दो से तीन भी खा जाएंगे। तो आप इस तरीके से समोसा बनाकर खिलाओ उनको, आप अपने गेस्ट को, मेहमानों को, पड़ोसियों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और बच्चों को तो खासकर पसंद आते हैं। आप इनको टिफिन में पैक करके दे सकते हो और 4 से 5 घंटे तक बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता बनकर रहेंगे और एक सॉफ्ट खराब नहीं होने वाले हैं। 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही क्रिस्पी बने रहेंगे, खस्ता बने रहेंगे। तो आप भी बनाकर खाओ। दिया और मैं आपको एक यहाँ पर तोड़ के दिखाती हूँ कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ। आप देख सकते हो कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हम मिलेंगे आपको एक और नई चटपटी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड चलते हैं। बाय बाय।